90s के दौर में कई एक्टर लंबे टाइम तक फिल्मों से गायब दिखे। आइए बताते हैं आपको उन एक्टर्स के बारे में। चंद्रचूड़ सिंह ने माचिस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। 2014 में उन्होंने आखिरी फिल्म में काम किया था। फरदीन खान ने अपने 12 साल के करियर में कई फिल्मों में काम किया, पर उनका फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा है। 2010 में उन्होंने आखिरी फिल्म दूल्हा मिल गया में एक्टिंग की थी। फिल्म आशिकी से हिट हुए राहुल रॉय का करियर अपनी पहली फिल्म के बाद कुछ खास नहीं रहा। 2007 में वो बिग बॉस सीजन 1 के विनर भी रह चुके हैं। मामिक सिंह टीवी सीरीज चंद्रकांता और फिल्म जो जीता वही सिकंदर में काम कर चुके हैं। हिमांशु मलिक ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म कामा सूत्रा से की थी। हाल ही में वो नुसरत फतेह अली खान के एक म्यूजिक वीडियो में नजर आए थे। अपूर्व अग्निहोत्री ने फिल्म परदेश से डेब्यू किया था। उसके बाद उन्होंने कई फिल्में की, पर वो कुछ खास सक्सेसफुल नहीं रहे। इसके अलावा उन्होंने कई टीवी शोज भी किए हैं। मुकुल देव ने शुरुआत टीवी सीरियल मुमकिन से की थी। उन्होंने कई मूवीज में भी काम किया है। सुयांश पांडे ने मॉडल के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने फिल्म खिलाड़ी 420 से डेब्यू किया था। बॉलीवुड में सियासत उनकी आखिरी फिल्म थी। विकास बल्ला ने कई मूवीज और टीवी सीरियल में भी काम किया है। उनकी लास्ट मूवी चूड़ियां थी। करण ओबेरॉय ने स्वाभिमान मूवी से एक्टिंग डेब्यू किया था बॉलीवुड में, और उनकी आखिरी फिल्म 2008 में आई थी।